करते हुए अपार हर्षैल कि नॉर्थ इंडिया गायनी फोरम जो कि नॉर्थ इंडिया की 7 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज के प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञों की संस्था है, उसका वार्षिक दूसरा वार्षिक अधिवेशन गोरखपुर सोसाइटी ऑफ गायनी सोसाइटी और गोरखपुर के आइसोपार्क चैप्टर आयोजित कर रहा है। कॉन्फ्रेंस 2 दिन की है, 27-28 जुलाई, और इस विषय इस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य थीम है वो है होलिस्टिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि स्त्रियों के और थोड़ा पुरुषों के भी पूरे संपूर्ण रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम कैसे सुधार ला सकते हैं और कैसे मैक्सिमम उनका बेनिफिट दे सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में शायद ये अपनी तरह की पहली कॉन्फ्रेंस है जिसमें नॉर्थ इंडिया की सभी प्राइम टीचिंग इंस्टीट्यूशंस जैसे कि SGPGI रोहतक, SGPGI चंडीगढ़, SGPGI लखनऊ, सभी उत्तर भारत के एम्स जैसे कि दिल्ली, गोरखपुर, जम्मू, रायबरेली, सारे एम्स के टीचिंग फैकल्टी और रेजिडेंट डॉक्टर शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा सभी मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और कॉरपोरेट सेक्टर के विशेषज्ञ इस अधिवेशन में आ रहे हैं, क्योंकि समाज के हर तबके तक हम लोग इस मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में 3 कार्यशालाएं हैं, यूरोगायनिकोलॉजी, इनफर्टिलिटी और ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज। हमारे मुख्य ऑरेटर जिन्होंने की एनीमिया मुक्त भारत, कैंसर सर्वाइकल मुक्त भारत और मॉटर्नल मॉर्टेलिटी पे काम किया है वो लोग मुख्य संभाषण देंगे, जिसमें कि दिल्ली की डॉक्टर शारदा जैन, जयपुर की डॉक्टर मीना आचार्य, डॉक्टर मंजू पुरी, फीटल मेडिसिन की डॉक्टर दीपिका डेका, डॉक्टर अनीता कौर, डॉक्टर मंदाकिनी प्रधान और एंडोस्कोपी के क्षेत्र में डॉक्टर नूतन जैन, ये सारे प्रतिष्ठित डॉक्टर और जिनका बहुत गहरा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज है वो लोग इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों के सत्र बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन जो कि आज के समय की बहुत ज्वलंत समस्या है, जैसे कि भारतीय समाज में टीनेज सेक्स एजुकेशन, पब्लिक प्राइवेट प्रैक्टिशनर कितना, प्राइवेट हेल्थ केयर में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो कितनी, उसमें जो चैलेंजेस हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर्स खास तौर से कानूनी मुद्दों को लेके बहुत चिंतित रहते हैं और कानूनी मुद्दों के कारण उनको कई बार हम डॉक्टर्स को डिफेंसिव मेडिसिन की तरफ जाना पड़ता है और या वो क्रिटिकल केसेस को नहीं लेना चाहते। नॉर्थ इंडिया गायनी फोरम इस मुद्दे पे बहुत तेजी से और बहुत गहराई से काम करता है और इस कॉन्फ्रेंस में भी जो 2 सत्र होंगे जो कि इन ऑब्स्टेट्रिशियन में जो कानूनी मुद्दे होते हैं उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा कि कैसे हम लोग लीगल फ्री क्लिनिकल प्रैक्टिस को कर सकते हैं। इसमें 65 नवीनतम शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे जो कि सीनियर और जूनियर सभी ऑब्स्टेट्रिशियन के रेजिडेंट और टीचिंग फैकल्टी प्रस्तुत कर रही है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट में एक इंजॉयबल लर्निंग को बढ़ाने के लिए क्विज का आयोजन है जो इमेजिंग इन ऑब्स्टेट्रिशियन पर है और इसमें बहुत से पैनल होंगे, ना केवल हम सर्वाइकल कैंसर या जो मुख्य समस्याएं उस पर केंद्रित कर रहे हैं, उभरते हुए जो चैलेंजेस हैं जैसे कि ब्रेस्ट डिजीज, ब्रेस्ट कैंसर और शुरुआत से जो महिलाओं में ब्रेस्ट के प्रॉब्लम्स हैं उन पर कर रहे हैं, जो मेनोपॉजल एज ग्रुप में महावारी की समस्याएं होती, रसौली की समस्या होती जो कि बहुत कॉमन है और आज की डेट में बहुत से ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं, तो पूरी कॉन्फ्रेंस में हम लोग इस पर न केवल नवीनतम जानकारी देंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे और अपने नवीनतम ज्ञान को लेके हमारे सभी जो पार्टिसिपेंट हैं वो लाभान्वित होंगे। तो हम सारे क्षेत्र के डॉक्टर से अपील करते हैं, स्पेशली प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञों को, कि इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में वो पूरे समय देके शिरकत करें जिससे कि वो अपने सभी मरीजों को इस नवीनतम जानकारी व डिस्कशन का फायदा सब सके। 27-28 जुलाई शनिवार इतवार होटल मेडिसन और आप सब आमंत्रित हैं। आपका नाम मैम? मैं डॉक्टर साधना गुप्ता, NIGF की प्रेसिडेंट और ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन। दिल्ली बम्बई कहीं पे वैसा कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि रेजिडेंट्स आ रहे हो बांग्लादेश के और नेपाल के और जीत के जा रहे हैं, कहीं नहीं कर पाए, वो पावर वालों को बुलाते हैं लेकिन इसमें जो है आम रेजिडेंट्स, आम मूवी गाएंगे की जो प्रेजेंस थी वो बहुत इंडिया की है। इस समय 18 पर 100,000 वुमेन।
एक्चुअली क्या हो रहा है कि अभी हम लोग एक एमएमआर पे जब खबर लिख रहे थे, पहले हमने एक डाटा लिया था हेल्थ डिपार्टमेंट से, जब आपने मुझसे फोन किया जब आपने बहुत इम्प्रूव किया, लेकिन दिक्कत क्या है कि विभाग ने अपने डाटा में इम्प्रूव नहीं किया। डाटा उनका आज भी 10 साल पुराना ही चल रहा है। नहीं, NFHS 5 का डाटा है, तो अगर साउथ में और वेस्ट में, जैसे केरला का डेवलप 19 है, मतलब केरला इज लाइक ए वेस्टर्न वर्ल्ड, उसके बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र और गुजरात का, इनका करीब 60-70 के करीब है, तो सदर्न स्टेट और गुजरात और महाराष्ट्र वेस्टर्न स्टेट। फिर झारखंड बहुत अच्छा है, अगर हम थोड़ा जिसे कहेंगे कि लो सोशल इकोनॉमिक में जाए तो झारखंड का बहुत अच्छा है, उनका करीब 56 के करीब है, लेकिन इंडिया यूपी का अभी 130 से 140 है।